Now, for exercise 5A, question number 20. Let us see which types of questions this had. Find the 8th term from the end of the AP. Question number 20 says, find the 8th term from end of AP 7, 10, 13 dot 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 up to 184. Nth term from end of AP के लिए क्या बताया गया था? Tn from end बराबर होता क्या है? Last term minus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को? Have you remembered last term? If we have to find out the term from end of any AP, then it is being given that by Tn equals to L minus N minus 1 into D, where L is the last term, N the number which is to be find, and D is the common difference. Okay. Now, 8th term, T8 from end equals to, what is last value? 184 minus n 8, this one, minus 1 into t. What is the common difference? 3. Then 184 minus 7 into 3. Then 184 minus 21. 4 minus 1, 3. 8 minus 2, 6. And this one, 163. Is it right? एक्चुअली बात यह है कि बहुत दिन हो गया एपी पढ़े हुए आप लोगों को, इसलिए सब भूल गए हैं, है ना? अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो अभी रट के याद कर लो, जल्दी रटो। nth term from end बराबर l माइनस इंटू एन माइनस वन इंटू डी, याद करो। याद हो गया? चलिए आर्यन राज, आर्यन राज, व्हाट इज द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एपी? बोलिए, तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आप लोग के क्लास में, ये एक्सरसाइज 5 है और आप लोग के क्लास के लिए, आप लोग के बैच के लिए ये पांचवा बार पढ़ाया जा रहा है एपी। Am I right? No sir, कुछ याद नहीं है। एक्सरसाइज 5 है और ये पांचवा बार अभी चल रहा है एपी, क्योंकि एपी जब आप लोग क्लास 9th में थे तभी मैंने पढ़ाया था, फिर 9th में लास्ट टाइम भी रिवीजन कराया, उसके बाद फिर 10th में बिगिनिंग जो स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बताया, फिर इसको रिवीजन कराया और अब ये पांचवा बार चल रहा है हमारा ऑनलाइन में एपी।
टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर टी एन इज बीइंग गिवन बाय एंथ टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी एंड एन विच इज रिटन विद इन द ब्रैकेट, दैट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म. रिमेंबर्ड? अगर नहीं याद आया तो कहिए, मैं एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूं. शिखा राज, चलिए मैं फिर से कर देता हूं. देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एपी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज. जब कोई सीरीज कोई खास डिफरेंस पे चल रहा हो, खास पैटर्न पे चल रहा हो, 24 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पहले इसको एपी समझा दूं. कोई भी सीरीज या सीक्वेंस जो है, जो नंबर है, तो नंबर का पैटर्न अगर कुछ चल रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, या फिर नंबर आता है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, या फिर नंबर आ रहा है 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से. तो ये नंबर पैटर्न जो चल रहा है, तो ये नंबर पैटर्न एक सीक्वेंस है, सीरीज चल रहा है, लेकिन इस सीरीज में अगर कोई खास पैटर्न आए, इट मींस सेम डिफरेंट अगर से है, नंबर आगे बढ़ रहा, डिफरेंट अगर सेम डिफरेंट से नंबर आगे बढ़ रहा हो, समान अंतर से नंबर आगे अगर बढ़ रहा हो, तो समान हो अंतर जिस सीरीज का, वो सीरीज समांतर सीरीज कहलाता है, मतलब समांतर श्रेणी बन जाता है, और समांतर श्रेणी को ही अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. जैसे यहां पे भी मैंने कहा 4 8 12 16 डॉट डॉट डॉट. तो यहां पे क्या है कि यहां से फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म आने में प्लस 4 इंक्रीज हुआ, फिर थर्ड टर्म जाने में फिर प्लस 4 इंक्रीज हुआ, फिर जाने में प्लस 4 इंक्रीज हुआ. इट मींस हम देखते हैं अगर कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर जो वैल्यू आ रहा है, या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म बराबर जो वैल्यू आ रहा है, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म बराबर जो वैल्यू आ रहा है, अगर सारे के सारे वैल्यू एक कॉन्स्टेंट फिगर दिखाई देते हैं, ठीक है, इट मींस वी आर गोइंग टू राइट लाइक दैट वन, टी टू माइनस टी वन, टी थ्री माइनस टी टू, टी फोर माइनस टी थ्री, सच दैट. इस प्रकार से देखिए, टी स्टैंड फॉर हियर टर्म एंड इन द नंबर रिटन इन सफिक्स फॉर्म, दैट इज देयर वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ टर्म. टी टू मीन्स सेकेंड टर्म, टी वन मीन्स फर्स्ट टर्म, टी थ्री थर्ड टर्म, टी फोर फोर्थ टर्म, इस प्रकार से. तो टी टू माइनस टी वन हमको क्या मिल रहा है, 8 - 4 बराबर 4. टी थ्री माइनस टी टू कर रहे हैं तो 4, टी फोर माइनस टी थ्री कर रहे हैं तो 4. मतलब जस्ट कोई भी नंबर के प्रीसीडिंग नंबर से हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं और अब जो रिजल्ट हमें आता है, अगर वो रिजल्ट हर एक में कांस्टेंट फिगर आ रहा हो, एक ही वैल्यू हर एक में अगर आ रहा हो, तो मतलब डिफरेंट समान है, डिफरेंट इक्वल है, तो इस तरह का सीरीज जो बनेगा वो सीरीज कहला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म जो लिखा जाता है, जनरल टर्म टर्म ऑफ एपी इज बीइंग गिवन बाय टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट्स इट, वेयर टी एन इज द वैल्यू ऑफ एंथ टर्म, Tn value of nth term. Now A first term, n number of term, and this one D सर, रुकी हो सकता है कि कुछ नए बच्चे का एनरोलमेंट है,
देख लेता हूँ, बने रहें क्लास में आप सभी लोग। फोर है, एक का माइनस फोर है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालेंगे तो सक्सीडिंग वाले टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से हम माइनस करेंगे, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तब जाकर कॉमन डिफरेंस हमारा निकलेगा। एंड हेंस दिस इज द बीइंग गिवन जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब इतना बात के समझाने के बाद, इतना याद दिला देने के बाद, आपको इसका कोई भी टर्म निकालना हो, ठीक है, 25वां नंबर टर्म क्या होगा या 20वां नंबर टर्म क्या होगा या इसका फर्स्ट टर्म क्या है या इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इजीली। नाउ मे बी प्रोसीड टू द क्वेश्चन। मे आई रेज दैट? एपी मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, दो बार तीन बार चार बार बता चुका हूं एपी। और मैं ये सोच रहा था कि अगर एपी के सारे प्रॉब्लम्स को आप लोग फटाफट इजी वे में जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें तो 11th क्लास का जो एपी है वो चीज मैं पढ़ा दूं आप लोगों को अभी 11th का एपी, ताकि आप लोग अगर एक क्वेश्चन नंबर 24 है अभी लाइन में लगा हुआ। हाँ नोट कर लीजिए 5A का 470। चलिए पहले 24 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है पहले ही। कहता विच टर्म ऑफ एपी, Which term of AP 121117 113 is its first negative? Is its first negative term? मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि सीरीज जो है घटते क्रम में जा रहा है, सीरीज जब घटते क्रम में जा रहा है तो तय बात है कोई कोई पॉइंट पे जाकर के ये जीरो पे पहुंचेगा या वन पे पहुंचेगा। जीरो के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर क्या आएगा, माइनस में नंबर आएगा। तो माइनस में जो नंबर आएगा तो सबसे पहला माइनस में नंबर आने वाला कौन सा टर्म है ये हमें बतलाना है। हम कहेंगे लेट इट्स nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मान लेते हैं कि इसका nth टर्म जो है वो पहला नेगेटिव है, देन tn मस्ट बी लेस देन जीरो। जीरो से छोटा होगा तभी नेगेटिव नंबर होगा। तो अब tn के जगह पर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। tn होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a है 121 प्लस n नहीं मालूम है इंटू डी, डी कितना है इसका माइनस फोर, और ये जो होगा छोटा होगा जीरो से, ठीक है, कोई दिक्कत। देन आफ्टर सॉल्विंग इट 121 माइनस फोर एन प्लस फोर मस्ट बी लेस देन जीरो, देन 121 प्लस फोर 125 माइनस फोर एन लेस देन जीरो, देन 125 must be less than 4n. Any objection? Now 125 upon 4 must be less than n. So 125 upon 4n kitna ho jayega? 31 upon 1 by 4 must be less than 0. This dekhi 31 ke baad fraction hi aa gaya hai. तो 31 के जस्ट बाद फ्रैक्शन है, तो 31 के बाद का जो नंबर होगा वो जीरो से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो 31 नंबर के जस्ट बाद का नंबर जीरो से छोटा होगा, मतलब 31 के 31 होल नंबर पूरा हो चुका है लेकिन उसके बाद भी 1/4 पार्ट है। इट मीन 31 तक के नंबर जो होगा ये पॉजिटिव होगा, 31 के जस्ट बाद जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे
एन जीरो से, सॉरी एन यहाँ पे लिखा था, तो देयर आफ्टर एम मस्ट बी लिखेंगे 32nd टर्म टर्म बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म आंसर। आई बात समझ में? तो जल्दी से मेंशन कीजिए, हो गया? आंधी तूफान का क्या स्थिति है वहां बिहार में जी? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सेज क्वेश्चन नंबर 4 गौरव पांडे जी? Find the value of p of which the number 2p minus 1. Find the value of p p for which the number the number 2p minus 1 2p minus 1 3p plus 1 3p plus 1 11 11 are in AP are in AP. Hence find the numbers. Hence find numbers. Any question is Suruchi? Suruchi? Okay. For AP, for AP, T2 minus T1 must be equal to T3 minus T2. कोई भी नंबर एपी में आने के लिए, एपी में नंबर कब कहा जाता है? जब नंबर का सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट हो। तो कॉमन डिफरेंस जैसा कि अभी हम देख रहे थे, अगर कांस्टेंट रहेगा तभी वो एपी में कहलाएगा। तो कांस्टेंट रहने का मतलब क्या कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, होगा। According to that one, T2 यहाँ पे कितना है? 3P plus 1 minus T1 कितना है? 2P minus 1. ये बराबर होना चाहिए T3, it means T3 11 है, minus T2 कितना है? 3P plus 1. 3P plus 1. इसको P के लिए सॉल्व करेंगे. 3P minus 2P, P और उसके बाद फिर plus 1, plus 1, 2 equals to 11 minus 1, 10 and minus 3p. This result is p plus 3p equals to 10 minus 2. And hence 4p equals to 8, then p becomes 2. P ka value aa gaya 2. Now numbers. Numbers kya ho jayega? 2p minus 1 equals to 2 into 2 minus 1, 2 to 4 minus 1, 3. फिर अगला है 3p plus 1 equals to 3 into 2 plus 1, 3 to 6, 1, 7. और अगला नंबर आपको 11 दिया हुआ है ही, इसलिए नंबर जो हो गया 3, 7, 11. These are the required answer. देखिए तीनों एपी में है ना, 3, 4, 7, 7, 4, 11, 4 का कॉमन डिफरेंस पे चल रहा है। आई बात समझ में? अब कुछ बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। मैंने पिछले क्लास में ही बतला दिया है आप लोगों को कि ये गूगल मीट नहीं है, जो हम अपना मन मर्जी का कर लीजिएगा। जानबूझ के मैंने इस ऐप को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका फीचर मुझे बेहद पसंद आया। ये गूगल मीट नहीं है कि आए और अटेंडेंस बना लिए और उसके बाद क्लास से चले गए।
पता चला कि हम तो क्लास कर ही लिए हैं, करवे किए थे क्लास में, अवे किए थे अटेंडेंस, बाकी टीचर को पता नहीं चला चल रहा है कि वो कंप्लीट क्लास किया है कि नहीं किया है। इस ऐप में मैं पहले ही बता चुका हूं, कल ही बताया हूं या परसों भी बताया हूं आप लोगों को, इस ऐप में आप जितना देर तक बने रहिएगा अटेंडेंस का परसेंटेज उतना देर शो कर देगा। कहिएगा तो मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, आप लोग को दिखाई नहीं देगा या हो सकता है आप लोग को पता भी चल रहा है, आप इस रिकॉर्डिंग में जाके देख लीजिएगा, अटेंडेंस सेक्शन में जाके देख लीजिएगा कि आप कितना देर प्रेजेंट रहे हैं क्लास में, वो परसेंटेज शो कर देगा और ऑटोमेटिकली अटेंडेंस भी बन जाएगा। हमको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे रोल नंबर 1, 2, 3, 4 करने की आवश्यकता अब नहीं है, वो सारा का सारा रिकॉर्ड इसमें मेंशन हो जाएगा। स्टे रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सुरुचि का एक क्वेश्चन और है 17, पहले उसको सॉल्व कर दूं और उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। अब वो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आदि शर्मा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आदि शर्मा भी ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म ऑफ इन एपी। इस एपी में कितने टर्म हैं पहले ये हम फाइंड करेंगे। अब जितना टर्म होगा तो उसका बीच वाला टर्म, जैसे मान लिया 5 टर्म अगर टोटल होता है तो 5 टर्म होगा तो बीच वाला टर्म कितना होगा, तीसरा नंबर 5 + 1/2 टर्म, और अगर 6 टर्म हो जाएगा तो बीच वाला टर्म कितना होगा, 2 टर्म बीच वाला आएगा, 1 n/2 और 1 n/2+1 टर्म आएगा। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे हेयर tn इक्वल्स टू a+n-1 × d, दिस रिजल्टेंट tn, tn क्या होता है, लास्ट वैल्यू है 216 बराबर a कितना है 6 प्लस n, n हमको निकाल लेना है, n-1 × d कितना है 7, तो दिस रिजल्टेंट 216 इक्वल्स टू 6 + 7n - 7 मींस 216 6 - 7 -1 इधर के +1 बराबर 7n, 217 बराबर 7n, देन n बिकम्स 217/7 31, तो n हो गया आपको 31, इसका मतलब कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 31 टर्म है। अब जब 31 टर्म टोटल है इसलिए मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म बराबर कितना हो जाएगा 31 + 1/2 टर्म, इट मींस कितना हो गया 32, 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। आ रहा बात समझ में, तो 16th टर्म हम लोग फाइंड कर देंगे t16 क्या होगा, a+15d, इट मींस a है आपको 6 + 15 × d था 7 बराबर 6 + 15 = 105 बराबर 111 will be required answer. Got it clear? जल्दी बोलो सूची सुरुचि समझ में आया? बोलवे नहीं करें। देखो T16 है, तो T16
टी एन बराबर होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, तो डायरेक्ट हम लिख दिए 16 माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा, 15 नहीं आएगा। आ गया समझ में, तो मैं मिटाऊ इसको। और बाल बाकी बच्चे कुछ बोलने रहे हैं, बाकी सब लोग क्या हैं? कितना लगता है अनुष्का बोली, अनीशा नहीं क्लास में आज जी? क्यों ओ फी का प्रॉब्लम है? अच्छा चलिए प्रिया, क्वेश्चन क्या था आपका बोलिए। एक मिनट, 26 नंबर की 26 टर्म, हाँ आप बोलो 26 टर्म है जीरो, और बोलो 11 टर्म थ्री, और कौन सा लास्ट टर्म माइनस वन बाई फाइव, तो फाइंड फाइंड नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए चूंकि टी 26 बराबर है जीरो, हम पहले कहेंगे कि लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो सिंस टी 26 बराबर जीरो है तो टी 26 का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस 25 डी बराबर जीरो, कोई प्रॉब्लम इसमें? जल्दी बोलो। आप फिर कहेंगे टी 11 बराबर 3 था, तो टी 11 की जगह पे क्या होगा, ए प्लस 10 डी बराबर कितना है 3, इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगा। आप सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल 25 माइनस 10 15, डी बराबर 0 माइनस 3 माइनस 3, डी बिकम्स माइनस 3 बाई 15, इट मीन्स डी बराबर माइनस 1 बाई 15, इस 1 बाई 5, ठीक है, डी हो गया हमारा माइनस 1 बाई 5, तो फ्रॉम फर्स्ट ए प्लस 25 डी माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू 0, देन ए कट गया माइनस 5 बराबर 0, तो ए बराबर हो गया 5। अब फर्स्ट टर्म 5, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 बाई 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है एल बराबर माइनस 1 बाई 5, तो नंबर ऑफ टर्म चूंकि कहते हैं सिंस टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, चूंकि लास्ट टर्म दिया हुआ है, और लास्ट टर्म जब दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन लास्ट टर्म जो है वो कितना है, माइनस 1 बाई 5, माइनस 1 बाई 5 बराबर लास्ट टर्म फिर से माइनस 1 बाई 5, और माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना हो गया माइनस 1 बाई 5। कोई ऑब्जेक्शन नहीं? रुक जाए, अभी लिख निकाल देते हैं, इतना जल्दी से नोट मेंशन कीजिए, फिर तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर। इतना तक समझ में आया? अब यूज कर लेंगे फॉर्मूला, पहले सीरीज ए हो गया 5, फिर कॉमन डिफरेंस माइनस 1 बाई 5, तो ये फॉर्मूला चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन
टी एन लास्ट टर्म तो दिया हुआ है माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म कितना निकला हमारा फाइव प्लस एन माइनस वन एन माइनस वन इंटू डी माइनस वन बाई फाइव, देन माइनस वन बाई फाइव इक्वल टू फाइव माइनस एन बटे फाइव प्लस वन बटे फाइव। ओके देन इट बिकम्स माइनस वन बाई फाइव, ये वाला प्लस वन बाई फाइव इधर आके माइनस वन बाई फाइव, ये माइनस प्लस फाइव इधर आकर के माइनस फाइव इक्वल टू माइनस एन बाई फाइव, तो हो गया एलसीएम फाइव माइनस वन माइनस वन माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू माइनस एन बाई फाइव, फाइव फाइव कैंसिल, देन पच्चीस छब्बीस सत्ताईस माइनस ट्वेंटी सेवन बराबर माइनस एन, देन एन इक्वल टू ट्वेंटी सेवन, उस टर्म में टोटल नंबर ऑफ टर्म सत्ताईस वो है। क्लियर? चलिए और भी कोई प्रॉब्लम किन्हीं का, किन्हीं का और कोई प्रॉब्लम? ट्वेंटी तक दिए थे बनाने के लिए, इसमें ट्वेंटी फोर तक, तो ट्वेंटी फोर तक इसका मतलब लास्ट टर्म, तो ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन पूछा ही गया, तो ट्वेंटी फाइव से लेके फोर्टी एट तक ये पहला रिकॉर्ड हमारा चल रहा है कि इस प्रकार से ऐसे करके मैं होमवर्क दे रहा हूं नंबरिंग बाय नंबरिंग करके, मैंने कभी ऐसा होमवर्क नहीं दिया। नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। नहीं और भी बच्चा लोग बोला है इसने कि सर अभी आपके सामने देखिए, आप लोग में से कोई कोई बोला था ना यस सर, बोला था ना जी, ओहो अभी ज्वाइन रिक्वेस्ट भेज रहा है सब। चलिए तो फ्रॉम 25 टू लास्ट एक्सरसाइज 5A कंप्लीट विल बी योर टुडेज होमवर्क। ओके एंड जस्ट ए मोमेंट, नेहाल कुमार, नेहाल कुमार भी आए हैं, सुरुचि कुमारी आई है, एक चलो नहीं भी इसमें आया है। चलिए यू मे लीव योर क्लास। और हाँ एक बात और, एक बात और, इस ऐप में लास्ट में असाइनमेंट जाके देख लीजिएगा आप लोग, या स्टडी मटेरियल जाके देख लीजिएगा आप लोग, उसको सॉल्व करना है। ऐप में जाके देखिएगा स्टडी मटेरियल, मैंने कुछ अपलोड कर दिया है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किया है, उसको पढ़ लीजिएगा। ओके और बाय जेड, ठीक है।